रिसर्च ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने जिम्मेदारी ले लिया है तो नेक्स्ट साल का मार्च तक हमको रेडी कर देना पड़ेगा। अगर मार्च में ये नहीं बोलना है कि अभी तक गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया दुनने के लिए, ये नहीं बोलना है। तो हमें 11 बजे बुलाया था आज, हमने 11 बजे यहाँ पहुँचा, 5 बजे अभी शुरू मेरा बोट वेटिंग करवाया, जैसे टेनिस कोर्ट में 7 डेज वेटिंग करवाया, आज यहाँ पे 6 घंटा वेटिंग करवाया। तो मिल तो गया, आप पेपर थोड़ा सा दिखा पाएंगे या फिर थोड़ा सा रीड आउट कर पाएंगे? हाँ, रीड आउट तो हम नहीं कर पाऊंगे, कर सकता है लेकिन हमारे पास इतना एनर्जी नहीं है, अभी बहुत थक चुका है, लेकिन हम पेपर दिखा सकते हैं। पेपर आप लोगों को भी मिल जाना चाहिए, हमने रिक्वेस्ट किया मीडिया वाला को भी कॉपी देने के लिए। कितना पेजेस का है आप बता पाए? लगभग 3 पेजेस है क्या? 3 पेजेस, 2 पेजेस होगा। और कल भी जब हमने उनसे भी सवाल रखा था, आपसे भी रखा था, जो चर्चा जो रेस्क्यू ऑपरेशन का फिर से स्टार्ट या कुछ का चर्चा, तो आज कुछ मेंशन किया उन्होंने? हाँ, नंबर वन प्रायोरिटी उसमें होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन का होगा, हमें जैसे भी है मिल ढूंढना है, जो भी अगर जिंदा है भी तो ढूंढना है, हमें तो अभी तक उम्मीद नहीं है कि मर गया से, तो माने उम्मीद मीन्स अभी तो हमको कुछ नहीं मिला तो हम तो जिंदा ही मरना पड़ेगा, लेकिन जिंदा हो या मरना हो ढूंढना है, सीजन पर ढूंढना है। टाइम मीन्स टाइम इन द सेंस, इसमें ऐसा होता है माउंटेनियरिंग का एक सीजन होता है और नेशनल या इंटरनेशनली लेवल में एक सीजन होता है, 30 सितंबर तक डेडलाइन हो जाता है। इसके बीच में हमने जैसे टपी मारा जी जैसे जो एक्सपीडिशन स्टार्ट होता है टाइम, उस हिसाब से टाइम हम मेंशन करके हम लोग फैमिली मेम्बर कोऑर्डिनेट करके हम लोग ने तय किया जाएगा कि कब स्टार्ट करना है, मौसम को देखते हुए। दीदी, 11 बजे का समय दिया था, लेट होने का कारण क्या हुआ आपने पूछा? हाँ, लेट होने के कारण ऐसा था कि आगे में जो पेपर रेडी करके रखा था इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऑटोमेटिकल नहीं था, हमारा दिमाग जो मैंने थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इसलिए हमने 2-3 बार प्रिंट करवाया। हाँ, और उसको हम अपना हिसाब भी बताएगा कि उन्होंने हमने 2 बार प्रिंट करवाया, इसके बाद साइन करने में लगा हुआ, पता नहीं जेरोक्स करने में लगा हुआ होगा, लेकिन 5 बजे अभी शरीफ मिला। तो क्या लगता है अभी आप जितना आप डिमांड किया था ना आप लोगों का, अभी तक हम पॉजिटिव मान सकते हैं उसको क्या पूरा? हाँ, पे कर देंगे। हाँ, पॉजिटिव डिमांड तो गवर्नमेंट का तरफ से एक्सेप्ट कर लिया, उसको पॉजिटिव अभी के लिए मानना चाहिए, लेकिन अभी के लिए परमानेंट नहीं, अभी परमानेंट के लिए, क्यों बोलने से फ्यूचर का चीज नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि माउंटेनियरिंग का एक सीजन होता है और सीजन डेडलाइन होता है, जब ये डेडलाइन का अंदर ये जितना हमको टाइम दिया जो गवर्नमेंट का तरफ से जो करना है पान प्रोविजन जो भी रेडी करना है हो समय पर बिफोर मार्च तक जो रेडी नहीं कर देगा तो हम रिसर्च ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। अगर ये मार्च तक रेडी कर देता, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक मार्च तक जितना है हमारा डिमांड रेडी कर देता है तो हम सर्च ऑपरेशन सेटिस्फाइड कर पाएगा, वो क्लू मिलना नहीं मिलना पीछे का बात है, लेकिन मार्च तक रेडी कर देना पड़ेगा। इसमें एक बात ये भी है कि आप लोगों का मीडिया का माध्यम से हम एक बात रखना चाहती हूँ कि अगर मार्च तक ये गवर्नमेंट का जितना एश्योरेंस जो दिया है, जो गवर्नमेंट जो हमारा डिमांड एक्सेप्ट किया ये पेपर के अंदर में आप लोगों को भी मिल जाएगा, जब मार्च तक रेडी नहीं कर देता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट जितना जो बीआर करने के लिए पान जो एक्सपेंडिचर जो बीआर करने वाला अगर मार्च तक नहीं कर देगा रेडी नहीं कर देगा तो वो डायरेक्टर का ऊपर माना जाएगा, क्योंकि कंसर्न डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का ये पूरा जिम्मेदारी में है, डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी में अभी लिया गया सब कुछ, रिसर्च ऑपरेशन पूरा डिपार्टमेंट ने जिम्मेदारी ले लिया है तो नेक्स्ट साल का मार्च तक हमको रेडी कर देना पड़ेगा। अगर मार्च में ये नहीं बोलना है कि अभी तक गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया दुनने के लिए, ये नहीं बोलना है, हम इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग हमको हायर करना है, जैसे कि नेपाल या कहीं से भी एक्सपर्ट हायर करना है, ताकि सोरेंग का नेटवर्क में हमने सर्च ऑपरेशन शुरू करवाना है, तो ये सब का रेडी जितना रेडी मैनेजमेंट रेडी मार्च तक कर देना पड़ेगा। अगर मार्च तक नहीं होगा तो हमारा सर्च ऑपरेशन आज का लास्ट ईयर अभी जो लास्ट गया ऐसे होगा, तो मार्च तक आप लोग भी वेट करेगा टिल बीच में आप लोग कुछ अपना तरफ से ऐसे ऑपरेशन का इनिशिएट नहीं लेगा तब तक रुकेगा ना? हाँ, अभी मन बीच में इनिशिएट लेने के कारण है, क्योंकि अभी बर्फ पूरा भर चुका है, अब लास्ट जो पास जो सर्च ऑपरेशन चला था उसी समय बर्फ इतना नहीं था, केम वन तक बर्फ नहीं था, अभी हमारा जो फैमिली सर्च टीम गया वहाँ पे के बेस केम्प जहाँ पे हेलीकॉप्टर आया था वहाँ तक बर्फ लेवल हो चुका था, इसलिए हमें अभी सीजन में हमारा आदमी नहीं भी जा पाएगा और जाके भी हमें काम नहीं होगा, और इसमें हमारे जाने वाला के रेस्क्यू टीम के भी लाइफ
रेस्क्यू है, हम अपना सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरा का लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते है। ये मैम काफी समय लगा है तो डीसी का भी क्योंकि रिटर्न में काफी समय लगा तो डीसी का कुछ मेंशन आप कर पाएंगे कि हाँ मेरा तो पहला डिमांड ये है, पहला डिमांड ये है डीसी को इंक्वायरी कमिटी बिताया जाएगा और विद इन वन मंथ के अंदर में रिप्लाई दिया जाएगा। उस रिप्लाई में कुछ भी सेटिस्फाइड कुछ भी नहीं हुआ, जो हम हकीकत को देखा वो चीज़ कुछ भी नहीं आएगा, इसका जिम्मेदारी हम गवर्नमेंट को मनाया जाएगा। सस्पेंशन का भी बात कर रहा था तो उसमें कुछ नोटिस में दिया है कि सस्पेंशन का? हाँ हो वो हम तो सस्पेंशन नहीं, हम तो टर्मिनेट का बात कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट का एक रूल्स होता होगा, हम भी संविधान के अंदर में रह के कानून को मानना होगा, लेकिन इंक्वायरी कमिटी जो रिजल्ट आएगा वो सच्चाई रिजल्ट आना चाहिए, जो हम देखा है उसके 100% हम नहीं बोलेगा, 50% रिजल्ट देना चाहिए। अगर ऐसे देगा तो हम इंक्वायरी कमेटी को सही मानेगा, लेकिन 0 रिजल्ट देगा तो हम इंक्वायरी कमेटी को नहीं मानेगा, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी मान जाएगा। फिर एक बार आप रिपीट कर पाएंगे कि डीसी का जो इंक्वायरी कब तक हो जाना चाहिए? डीसी का इंक्वायरी कमेटी 1 मंथ के अंदर देने के लिए उन्होंने टाइम दिया, लेकिन उसको गवर्नमेंट का कुछ नॉर्म्स होता होगा, उसको हम चैलेंज नहीं कर पा रहे। थीक। और आप लोगों के माध्यम से एक बात बताना चाहे, हम थोड़ा से हेल्थ खराब है, थोड़ा बहुत कमजोर हो गया, एक दो दिन में थोड़ा से ट्रीटमेंट करके आप लोगों को प्रेस क्लब में हम एक बार आना चाहूँगी, उसमें हमको जो आगे के लिए जो बात रखना है, जो इसको ये कल डायरेक्टर यूथ अफेयर्स को हम कल मिलने जाएगा, मिल के उससे क्या बात हुआ, आगे का प्रोसेस क्या होगा, आपको प्रेस क्लब में हम एक बार आके आप लोग को मिलना चाहूँगी। थीक।